जी हाँ दोस्तों, आज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5वां T20 मुकाबला। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में 8 रन से हार का सामना करने के बाद इंग्लैंड की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड की टीम को चौथे T20 मैच में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं पूरी जानकारी कि इसी वजह से पूरी इंग्लिश टीम पर जुर्माना लगा है, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंग्लैंड की टीम पर जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि जानकारी ये सामने आई है कि ICC की तरफ से कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई गई इनकी तरफ से, जहां पर ICC के मुताबिक इंग्लिश टीम पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। जहां पर ICC के एलिट पैनल ऑफ मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने पाया कि ऑन मॉर्गन की टीम निर्धारित समय में एक ओवर कम फेंक सकी थी। प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट पर्सन के लिए ICC की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों को उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना के तहत देना पड़ता है। अब ये इसलिए है क्योंकि आवंटित समय में ओवर पूरे करने में ये लोग नाकामयाब रहे, यानी कि एक सीमित समय होता है कि इस सीमित समय में आपको 6 गेंदें डाल देनी है, लेकिन वो 6-6 करके जो लास्ट में टोटल काउंट बनता है उससे कई ज़्यादा आगे निकल चुके थे, जिसकी वजह से जुर्माना लगा है। इंग्लैंड की टीम के कप्तान ईयर मॉर्गन ने जुर्माने को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। चौथे मुकाबले के ऑन फील्ड एम्पायर KN पद्मनाथन नितिन मेनन ने मैच रेफरी के सामने इंग्लैंड की टीम के द्वारा धीमी गति से ओवर डालने की शिकायत की थी, जिसकी वजह से इनको ये जुर्माना भरना पड़ा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।